गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माय क्यूट होम गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ओनियन पील फर्टिलाइजर। और फ्रेंड्स, हमारा जो किचन है उसके अंदर जो भी वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, जो जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, एक्चुअली में वो हमारे पौधों के लिए वरदान साबित हो सकता है। और इसमें से एक जो फर्टिलाइजर की मैं बात करने जा रहा हूं, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलना है आपकी किचन वेस्ट से, ये है ओनियन पील फर्टिलाइजर। आपको इसे कैसे बनाना है, कैसे इसका यूज करना है और इसके अंदर कौन कौन से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी प्लांट की हेल्थ के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल माई क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑनियन पील्स जो है वो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, आप भी इनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके जो है हम फर्टिलाइजर कैसे हमें इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये ऑनियन पील फर्टिलाइजर आप ये इस तरह का कोई बॉक्स ले लीजिए, कोई डब्बा आप ले सकते हैं और उसके अंदर ये जो पील्स हैं वो आप डाल दीजिए। तो मेरे पास काफी जो ऑनियन पील्स है वो मैंने कलेक्ट किए हैं, तो दो डब्बों में मैं इसको जो है वो डालने वाला हूं। तो दोनों डब्बों में मैं डाल लेता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन दोनों डब्बों के अंदर जो है मैंने ऑनियन पील्स को डाल दिया है, जिसे मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ था। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को जो है वाटर से फिल कर देना है पूरा। इसको भी मैं वाटर से फिल कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वाटर से फिल हो चुके हैं। और अब मैं इन दोनों का जो ढक्कन है वो बंद कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसको 24 आवर से लेकर 48 आवर तक जो है वो ऐसे ही रख देना। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको हमें शेड में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं 24 और 48 आवर के बाद। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारी जो ऑनियन पील का फर्टिलाइजर है वो तैयार हो चुका है। और देख ही सकते हैं आप, नजर आ रहा होगा इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब ये यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अभी मैं इसको जो है इस डब्बे से बाहर निकालता हूं और बताता हूं कि आपको इसका जो यूज है वो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये डब्बे का जो ढक्कन है मैंने खोल दिया है और अभी इसके अंदर से मैं इस फर्टिलाइजर को निकालता हूं। देखिए, आप नोटिस कर सकते हैं कि कलर जो है वो बिल्कुल बदल चुका है इसका। तो इसके अंदर से जो भी पानी है वो आप निकाल लीजिए। और फ्रेंड्स, इसमें इन वाले को है ना आपको फेंकना नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, फेंकना नहीं है। इसका भी मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा बता देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि ओनियन पील फर्टिलाइजर जो है हमारा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। तो इसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, सी है, ई है। और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को जरूरत होती है वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल है। देखिए, पोटाश आप बाहर से खरीद के लाते हैं, काफी कॉस्टली होता है। और पोटाश
जो है आपकी ओवरऑल फ्लावरिंग के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत यूजफुल होता है। कैल्शियम भी आपके प्लांट को जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ में सपोर्ट करता है। तो जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे के सारे ओनियन पील फर्टिलाइजर में मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसको यूज कैसे करते। तो इसको यूज करने के लिए मैं इसको जो है स्प्रे बोतल में डाल लेता हूं। मैं इसको स्प्रे बोतल में डाल रहा हूं, पर एक बात आप ध्यान रखिए, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और अगर चाहे तो आप उसको डिल्यूट कर सकते हैं 1:1 में। जैसे मैंने ये एक मग्गा मेरे पास है तो ऐसा एक और इसके अंदर जो है आप मिला लीजिए, डिल्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये क्या है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है तो प्लांट के ऊपर इसका किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो मैं इसको फिल करता हूं और अपने प्लांट में कैसे यूज करता हूं वो आपको दिखाता हूं। तो हम इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली जो हमारे गमले हैं उनके अंदर भी इसको डाल सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे कुछ वेजिटेबल प्लांट्स हैं और इसके ऊपर जो है वो मैं इसको स्प्रे करने वाला हूं। और देखिए बहुत ही न्यूट्रिशन होता है ये ऑनियन पील फर्टिलाइजर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तो प्लांट्स को अच्छा ग्रोथ देता है, देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही मैं यूज करता हूं, किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का मैं अपने प्लांट में बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूं। तो देखिए कितना ग्रीन है ये, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है ये देखिए आप। तो सबके ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए तो आपके जो प्लांट है वो हरे भरे रहेंगे और सभी तरह के इस पे जो है आप स्प्रे कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट पे भी स्प्रे कर सकते हैं, फॉयलेज वाले जो है उनके ऊपर भी इसको जो है स्प्रे किया जा सकता है। तो आप देख ही रहे होंगे क्योंकि काफी ग्रीन है और फ्लावरिंग भी अच्छी है, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी इससे। तो फ्रेंड्स पहला मेथड ये था कि हम इसको जो है स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डायरेक्टली भी प्लांट के अंदर डालना चाहें तो भी हम इसको डाल सकते हैं। और जो बचे डब्बे में जो पील्स बच गए हैं उनका यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स गमले में डालते हैं इसको। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा लिया है मैंने, और ऑन एन एवरेज मैं कहूं कि आप जो है आधा गिलास डाल दे, आधा, क्योंकि ये डिल्यूट नहीं है तो आधा गिलास भी जो है हर प्लांट के लिए सफिशिएंट रहेगा और जो आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। तो अपने जितने भी प्लांट हैं उन सब के अंदर मैं डाल देता हूँ, स्पेशली वेजिटेबल के लिए तो ये एक तरह से वरदान का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया सभी तरह के न्यूट्रिशन जो है वो मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको डाल दिया है और सभी प्लांट में इसका यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे बच गए थे जिसके अंदर से हमने फर्टिलाइजर निकाल लिया था, अब आपको क्या करना है कि इसको है ना और पानी फिल करके रख देना है, कम से कम 2 से 3 बार जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोबारा इस कंटेनर को जो है आप फिल कर दीजिए और दोबारा जो है वो ये यूज के लिए रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।